तो जी सर का एक कॉल था, सर कह रहे थे कि अभी हमें आधा घंटा और लग जाएगा, तो मेरे को प्रॉपर टाइम मिल गया है कि मैं सर का एक छोटा सा इंटरव्यू करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जिन्होंने हमारे साथ जाना था वो आधा घंटा लेट है। तो सर को मैंने बोला कि सर आ जाइए, मैं आपका एक छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ, कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से बात कर पाऊंगी। फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा आई गेस, हाँ इंटरव्यू काइंड ऑफ, कि मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या करते हैं, उनका नेचर कैसा है और क्या है उनके मन में ऐसा कि वो हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं सर की तारीफ इसलिए नहीं कर रही कि उन्होंने 1.5 लाख रुपया 2 दिन में डोनेशन का इकट्ठा कर दिया, मैं तारीफ कर रही हूँ अपने उस एक्सपीरियंस की जो लास्ट 2019 की जो कोविड की जो वेव आई थी फर्स्ट, उसके एक्सपीरियंस को मैंने फील किया और जो पेशेंट्स जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए अप्रोच किया और उनको प्रॉपर हेल्प मिली टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर रमेश पूनिया जी, तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ सर की, जो इंसानियत के हर काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और अब ज्यादा टाइम आपका लूंगी नहीं क्योंकि मुझे सर के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू वीडियो शूट करना है, तो आ जाओ चलते हैं सर के पास। सर कितना अमाउंट आपने जमा करा दिया है? 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपए। और ये मित्र प्यारे जो है सबको मैंने बोल दिया था, उन्होंने सभी ने कोऑपरेट किया। अरे वाह, बताई जब बच्चे की तो मैंने कहा हम जॉब करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैंने अभी आपको बताया था कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और हम अब हॉस्पिटल से आ गए और अब हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर रमेश पूनिया सर से। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आपने एक फोन कॉल पे उस भाई की इतनी मदद की। हमारा मानवता के नाते एक फर्ज बनता है, तो मेरी अपील सभी से कि अब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, हर आदमी परेशान है, लॉकडाउन से बच्चे परेशान हैं, घर में इंसान वैसे परेशान है बन के बैठ गए, बुजुर्गों को बड़ी भारी दिक्कत है, रिटायर्ड पर्सन को खास तौर पर दिक्कत है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कईयों के तो ब्लड में होता है कि हमें इस तरफ जाना है, मानवता की सेवा करनी है, इंसानियत दिखानी, आप में जज्बा जो था वो कब से आया और कैसे आया? मेरे में जज्बा स्टूडेंट लाइफ से ही है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब से ही है, और मैं वहाँ भी मेरा यही सिस्टम था। कोविड-19 जब आया था तो कुछ ऐसे इश्यूज, मैं आपकी तारीफ बहुत पहले उनको एक बहुत बड़ा वीडियो में बना चुकी हूँ, मैं आपके बारे में सारी डिटेल्स उसमें डाल चुकी हूँ कि आपने क्या क्या काम किए हैं, मैं सर की फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी उसमें डाल दूंगी, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हो। कोविड-19 में क्या क्या मुश्किलें आई थी सर आपको? मुश्किलें कुछ नहीं आई, किसी के साथ आपकी कोई ऐसा हुआ था कि आपका? हमारे समाज में हर टाइप के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उस केस में आपका ट्रांसफर हुआ था या क्या हुआ था? नहीं, वो एक पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं था वो, लेकिन उसने आपका अपने आप को पॉजिटिव कर लिया मजाक करने के लिए, और फिर उसने बच्चों से लड़का अपने दोस्तों से मजाक कर दिया, मैसेज कर दिया। और उस टाइम ये एक वो था भी, जो एक पॉजिटिव पेशेंट है वो कम से कम 400 लोगों को इफेक्ट करता है। अब उससे वो मैसेज हमारे पास आ गया उसका पॉजिटिव का, अब पॉजिटिव का मैसेज हमारे पास आएगा तो नेचुरली हम उनके घर जाएंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, उसके साथ प्रोटेक्ट वाले सबको चेक करवाएंगे। ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी करी, और नहीं हुआ, उसने अपना एक राजनीतिक इस्तेमाल किया ताकत का और मुझे करवा दिया, हटवा दिया था। तो फिर उसके बाद वापसी कैसे हुई सर आपकी? वापसी जनता का प्यार मेरे साथ था, जनता ने आपको वो पावर दी, मतलब जो आप काम कर रहे हो तो जनता आपको वापस भी दे रही है वो प्यार से, वो रिस्पेक्ट, जनता के प्यार से मैं आज तक चल रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। कोविड-19 को लेके सर सब में इतना डर है, लेकिन जैसे मैं आपको देखती हूँ, जैसे दुनिया आपको देख रही है, आप फर्स्ट वेव से लोगों के घर से, जो लोग अंदर जाने से मना कर देते थे, आपने लोगों के घर से कूड़ा तक उठाया, उनको पर्सनल जरूरत की चीजें प्रोवाइड कराई, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर क्या लगना, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ और गुरुद्वारे में जाता हूँ, तो वहाँ पे एक ही चीज की सीख होती है,
शुभ कर्म से कभी ना डरो, मानवता की सेवा करना हमारा धर्म होना चाहिए। तो आप कोविड 19 में उनके कोविड पेशेंट्स के घर भी गए, आपने उनको टच भी किया, कई बार आप उनके संपर्क में भी आए, तो आपको कोविड 19 कभी नहीं हुआ? भगवान की दुआ और लोगों का प्यार। फिटनेस का राज क्या है? 2 घंटे सुबह लगाता हूँ, पिछले जब से होश संभाला तभी से। 2 घंटे आप अपने सेहत को देखते हैं, शरीर को लगाते हैं, योगा करते हैं? योगा भी करता हूँ, जॉगिंग भी करता हूँ, 25-25 साल के बच्चे मेरे साथ जोड़ते हैं। सेकंड वेव की जब मैं बात करूं सर, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूं इससे पहले के वीडियो में कि मैंने भी आपको दिन रात कॉल कर करके बहुत परेशान किया है। 1000 कॉल? हाँ, मतलब जब हम लोगों के पास 200-300 आती थी, सर खुद कह रहे हैं कि उनके पास 1000 कॉल आती थी। मेरे पिछले पहली वेव में मेरे पास 600 फोन आते थे मैक्सिमम। तो सर ने ऐसा कोई चांस नहीं हुआ कि मेरी कॉल मिस की हो या मेरे किसी काम से हेल्प से मना किया हो? तो सर आपको लगता नहीं कि मतलब कई बार स्ट्रेस आउट हो गया, कि इतना ज्यादा प्रेशर आ गया? जब दिमाग में एक जुनून है, सेवा करनी है, उसे प्रेशर क्या लेना है? प्रेशर लेंगे तो परेशान होंगे। जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, जो बिना पैसों के बात ही नहीं करते, लोगों के इतने बड़े बड़े बिल के चिट्ठे उन्होंने बना के दिए, आपने वो बिल माफ कराए, तो डॉक्टर्स का डर नहीं है आपको कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा या डॉक्टर्स आपके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेन दे सकते हैं या दी भी होंगी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, तो उनसे आपकी फैमिली को या आपको डर नहीं लगा कभी? डरना क्या, मेरे को कईयों ने कहा सिक्योरिटी मांग लो, गार्ड मांग लो, आपकी जान को खतरा है। हर चीज का समय और स्थान निश्चित है, भगवान ने मेरा अच्छा लिख रखा तो अच्छा होगा, बुरा लिख रखा बुरा होगा। तो अब जैसे आपने लोगों के नाजायज बिल माफ कराए हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट कि डॉक्टर्स आपके खिलाफ हो गए हो, या कोई ऐसे पेशेंट जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपना घर बार बेच के पैसा लगाया और आपने उनको वापस कराया? बहुत ऐसे केसेस, एक कंडूल गांव है साथ में बुलाना के पास, वो मियां बीबी दोनों एक्सपायर हो गए, एक 5 साल का बच्चा है, एक 2.5 साल की गुड़िया बची है और एक दादी बची है घर में, उसमें और कोई घर में बचा नहीं। फतेहबाद के एक हॉस्पिटल ने 4,14,000 रुपए लिए थे और उसके मामा वगैरह मेरे पास आ गए, तो उनके मैंने 2,07,000 रुपये वापिस करवाए उनसे। तो बड़ा अच्छा फील होता होगा ना कि जब दूसरों की दुआएं मिलती हैं, जहां आज के टाइम में लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों की दुआएं इकट्ठे कर रहे हो, और शायद फैमिली का कितना रोल है सर आपकी इस सेवा के पीछे? फैमिली कोऑपरेशन तो है ही, मतलब फैमिली भी खुश है आपके इस काम से, उनको बड़ा प्राउड फील होता होगा जब देखती होंगी कि सारी जो जनता है वो आपको सपोर्ट करती है, आपको इतना प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। फैमिली वालों को अच्छा लगता है, तभी तो इतना आगे बढ़ जाते हैं, यदि फैमिली कोऑपरेट ना करे फिर कहां बढ़ सकता है इंसान। और जैसे मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले ही सिर्फ मैसेज ही ड्रॉप किया था कि इस बच्चे को हेल्प की जरूरत है, और आपने 2 दिन में 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया उस बच्चे के लिए, तो ये इतना ट्रस्ट, इतनी पार, इतनी रिस्पेक्ट कैसे? दान देने वालों की कमी नहीं है, दान सही जगह जा रहा है, सही यूटिलाइज हो रहा है, वो जनता ये चीज देखती है भी हमारा पैसा सही जगह जाएगा। दान देने वालों की हमारे समाज में कहीं कमी नहीं है। 2 साल पहले एक बच्चा मेरे पास आया, टाउन पार्क में बैठा था, गर्मी का दिन थे बहुत ज्यादा, कहता अंकल यहाँ कहीं पीने का पानी नहीं है? तो मैंने कहा अभी पीने का पानी पार्क में नहीं है। कहता फिर मुझे उसकी बात बड़ी चुभी, और जब वहाँ पता किया कहते हैं पीने का पानी यहाँ निकल ही नहीं सकता, मैंने सोचा कोई हैंडपंप लगवाते हैं शायद निकल जाए, लेकिन मन में एक विश्वास था भी हम कोशिश करते हैं। कहते हैं यहाँ पीने का पानी है ही नहीं पार्क में, मैंने कहा चलो लगाते हैं। मैंने लगवाया, अपने सभी साथियों से कंट्रीब्यूशन लिया, 25,000 रुपये इकट्ठे हुए, 500 रुपये पर मेम्बर इकट्ठे कर लिए, इतना बढ़िया पानी निकला उसका, आज भी वो एजिटी चल रहा है, इतना बढ़िया पानी। टीडीएस चेक किया 150 से कम था, जो कि एक अच्छे पानी का, अच्छे पानी। कहते हैं ना प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता, वो वजह यही होता है कि उसमें सब की जो है ना भावनाएं शामिल होती हैं। सर सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि आप जैसे फील्ड में भी काम करते हो, आप हॉस्पिटल में भी हो, सिविल हॉस्पिटल में भी, और ग्राउंड लेवल पे जब आप निकलते हो तो आपको भी पता है कि बहुत सारी कमियां हैं, और वो खामियां आप टाइम टू टाइम दिखाते भी हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनसे ये खामियां दूर हो सकती हैं? देखो राजनीतिक सुधार जब तक नहीं होगा तब तक हम सिस्टम नहीं सुधार सकते। तो आप अकेले कोशिश करते रहते हो, आपको लगता नहीं कि जनता मतलब को तो लगे फील होएगा ना, वो आने वाले टाइम में अच्छे लोगों को, मतलब आप जनता को दिखाना चाहते हो आईना की मतलब ये कमियां हैं तो इनको देख के जनप्रतिनिधि चुनो।
वो तो है ही। आप आजकल के नेता ये अपने घर में तो सब कुछ खा लेते हैं, लोगों को भूखा रखते हैं। तो भविष्य में कभी पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार? समय बताएगा। मतलब अगर जनता आपको चाहे, जनता आप जैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहे, तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखो, आदमी को अपनी जिम्मेवारियों से निभाना चाहिए। मतलब अगर जनता आपको समाज जो भी जिम्मेवारी सौंपता है उसको उससे पीछे नहीं हटना नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से तो ना नहीं है, मतलब अगर जनता चाहेगी तो आप आओगे। हारता ही बहुत है, जमानते भी जब्त होती है अच्छे इंसान की, देखिए मैंने, क्योंकि हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है वो धर्म पे डिपेंड है। लेकिन सर वो बात जातियों से जुड़ा हुआ है, मौके पे कास्टिज्म ज्यादा हैवी हो जाता है। ये देखो ना, 55 साल हो गया जाना को बने हुए, आज तक हमें एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाए जहाँ हमारे राजनेता इलाज कराते हो। 1.5 साल से कोविड हो रहा है, 90% राजनेता बाहर जाते हैं, मैदानता में गए हैं। किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई ठीक हुआ बता दो? मतलब कमियां सिस्टम में ही है। सिस्टम में तो है ही कमियां। तो सिस्टम से आपको सपोर्ट भी मिलता है कभी, आप जब ग्राउंड लेवल पे काम करते हो? सिस्टम से सपोर्ट मिलता तो मुझे दिन देखने न पड़ते। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप यूथ के लिए, जो यंगस्टर आपको फॉलो करते हैं, जो देखते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो? मैं खुद आपको फॉलो करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, जैसे आप दिन रात निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, मैं भी करूँ। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? भाई, हम मानवता की सेवा करें, अपने से छोटे को तंग ना करें, किसी गरीब की आत्मा ना दुखाएं, और जरूरतमंद की सहायता करें। और समाज से भी जो काम कर रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे? उनसे ये कहो फोटो कम खिंचवाए, काम ज्यादा करो। पर सर ये भी तो होता है ना कि जिसने काम किया वो थोड़ा सा लालच तो आ जाता है। जो एक घोड़ा फार्म के पास एक रोड निकली है नई, और वो रोड सेक्टर 33 में जा रही है, डीएन कॉलेज के प्रिंसिपल रेजिडेंस के पास से नई ब्लॉक्स की रोड बनी है, और मुझे सुनीता रहेजा जी हरी भरी सुंदरा वाली जो एक एनजीओ चलाती है, बहुत अच्छी लेडी है, उन्होंने मुझे बुलाया था एक वीट फार्म में पौधारोपण के लिए। मैं वहां से वापिस आया तो उस रास्ते से हो लिया, वहां देखा मैंने जितने पौधे लगे होंगे 10 दिन पहले सारे उखड़े पड़े थे, किसी के ट्री गार्ड नहीं था, सब सूखे पड़े थे, किसी में पानी नहीं था। इस बारिश आने से पहले की बातें हैं। कोई नेता लोग फोटो खिंचवा के चले गए, 4 दिन बाद वो फोटो तो अखबारों में छप गई, पौधे अपने उखड़ गए बेचारे। ये भी नहीं होना चाहिए। अब कोविड की थर्ड वेव के चांसेस हैं, तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे डॉक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? डॉक्टर को मेरी तो यही अपील है, आप सेवा भाव से करें यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, काफी कोऑपरेट करते हैं बिल्कुल, और मेरी अपील है उनसे भी, सरकार ने जो चार्जेस फिक्स किए हैं बहुत अच्छे चार्जेस हैं, आप उनसे एक्स्ट्रा ना लें, बस मेरी चीज है। हम सर दुआ करेंगे कि भगवान आपको ऐसी अच्छी सेहत बख्शे, आप लोगों की ऐसे ही दुआएं लेते रहो, ऐसे ही दिन रात लोगों की सेवा में काम आते रहो। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी आसपास, हमारी लोकेलिटी का, हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा ऐसा निकलता है जो अपने हित से परे मानव की सेवा के लिए सोचता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चे भी और हम भी आपको फॉलो करते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।